झांसी जिले में रात्रि कर्फ्यू जारी होने के बाद भी कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसमें लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिससे कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। झांसी में 24 घंटे में 5242 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें 462 पॉजिटिव पाए गए। जिलाधिकारी ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन कराने का अनुरोध किया, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। यदि लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो जिले में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रशासन को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन के पालन कराने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अधिकतर लोग मास्क लगाए नजर नहीं आ रहे, न ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे, जिससे कोरोना का केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5242 टेस्ट किए गए, 462 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, कुल 175 मौत अभी तक जनपद में हो चुकी है। अभी तक जिले में 13,237 पॉजिटिव पाए गए। अब तक 10,934 लोगों को इस बीमारी से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज की तारीख में कुल 2128 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिन्हें हॉस्पिटल अथवा होम आइसोलेट किया गया।